सब्सक्राइब कीजिए सेंट्रल इंडिया मीडिया चैनल को और यहाँ पर इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ऑटोमोबाइल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं Hyundai Creta का टच स्क्रीन एंड्रॉयड इन्फोटेनमेंट सिस्टम। तो जैसा कि हम लोग आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, सिस्टम आप सामने देख पा रहे हैं, फिट एंड फिनिश बिल्कुल परफेक्ट है सिस्टम की। प्रॉपर क्रेटा के लिए जो सिस्टम है इसको डिज़ाइन करा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्टली गाड़ी का डैशबोर्ड में यहाँ पर फिट हो जाता है। सिस्टम कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखता है। सिस्टम को चालू करते हैं अब। तो जैसे ये ई मॉडल है क्रेटा का, यहाँ पर जैसे ही हमने चाबी को यहाँ पर ऑन करा, आप लोग देखते हैं Hyundai का लोगो सिस्टम के अंदर फ्लैश हो रहा है। ये लोगो कस्टमाइज हम कर सकते हैं, दूसरा लोगो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिस्टम चालू होने के बाद होम स्क्रीन कुछ इस तरह का हम लोग को यहाँ पर दिखता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर जैसा कि मैंने बताया, जो सिस्टम है यहाँ पर वर्क करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट इसमें रेडियो चल रहा था, इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रेडियो अपने आप ऑन हो गया। हम लोग आ जाते हैं बैक सिस्टम की होम स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर तो कुछ ऐसा लेआउट जैसा कि मैंने बताया दिखता है। कई सारे ऐप्स सिस्टम के अंदर प्रीलोडेड आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कई सारे एप्लीकेशन से ऐप्स हम लोग को यहाँ पर दिख रहे हैं और देखते हैं और भी बहुत सारे ऐप्स जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग को सिस्टम के अंदर मिलते हैं। गूगल मैप्स के जरिए सिस्टम के अंदर हम नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्ले स्टोर से हम और ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पर म्यूज़िक, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम इनबिल्ट सिस्टम के अंदर जो 16 GB की मेमोरी है उसमें सॉन्ग्स कॉपी कर सकते हैं, वो यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और भी कई सारी मोड्स है, आप सिस्टम की सेटिंग्स यहाँ पर देख रहे हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, कई सारी चीज़ों को जो सिस्टम है यहाँ पर सपोर्ट करता है। सिस्टम का स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है HD डिस्प्ले के साथ में ये आता है, तो रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा हम लोग को यहाँ मिल रहा है। आप मेमोरी देख पा रहे हैं, 16 GB इनबिल्ट मेमोरी और 2 GB की रैम के साथ में सिस्टम हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। एंड्रॉयड का वर्जन इसका मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, कौन सा एंड्रॉयड वर्जन जो सिस्टम है यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एंड्रॉयड 7 पर सिस्टम यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो एंड्रॉयड वर्जन भी हम लोग को काफ़ी अच्छा सिस्टम के अंदर यहाँ पर मिल रहा है। वापस से आ जाते हैं बैक सिस्टम की होम स्क्रीन पर। तो हम लोग आ गए सिस्टम की होम स्क्रीन पर। यहाँ पर रेडियो ऑन करते हैं, सिस्टम का साउंड का आउटपुट हम लोग देखते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल्स देखिए आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, मैं स्टीयरिंग से सिस्टम को ऑपरेट कर रहा हूँ। वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर सिस्टम की स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं स्टीयरिंग कंट्रोल्स एज इट इज़ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। मैंने म्यूट यहाँ से मैं करता हूँ तो सिस्टम में आप लोग देखेंगे यहाँ पर म्यूट भी हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर अपना चैनल चेंज करता हूँ तो चैनल भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी कम होगा। तो स्टीयरिंग के जो पूरे कंट्रोल्स यहाँ पर पूरी तरह से वर्क कर पा रहे हैं। 50W × 4 का आउटपुट जो सिस्टम है यहाँ पर हम लोग को ऑफर करता है। जो Hyundai का टॉप मॉडल आता है SX, उसमें जो टच स्क्रीन सिस्टम आता है वो भी सेम आउटपुट हम लोग को ऑफर करता है। तो सिस्टम के साउंड की जो आउटपुट क्वालिटी वो भी हम लोग को ओरिजिनल सिस्टम से कहीं ना कहीं अच्छी ही मिलती है। स्टॉक स्पीकर्स इस गाड़ी के अंदर अभी लगे हुए हैं। 1 ईयर की वारंटी के साथ जो सिस्टम है हम लोग को यहाँ पर मिलता है। मोड चेंज कर रहा हूँ, वीडियो मोड पर आ गया। वीडियो मैंने डिसेबल कर रखा है अभी इसके अंदर, क्योंकि जो गाड़ी है ड्राइवर भी यूज़ करता है, इसलिए वीडियो मैंने सेफ्टी फीचर के हिसाब से डिसेबल कर रखा है। उसको हम लोग इनेबल या डिसेबल यहाँ पर हमारे जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। होम स्क्रीन को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कई लेआउट्स हम लोग को होम स्क्रीन के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। होम स्क्रीन पर ही हमको कई सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख जाती है। वापस हम लोग आ गए सिस्टम के एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये मिरर लिंक को भी सपोर्ट करता है, यानी कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पर कारप्ले। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन या iOS वाला आईफोन हम दोनों यहाँ पर सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और देखते हैं सिस्टम में क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, कई सारे ऐप्स हम लोग को मिल जा रहे हैं। प्ले स्टोर हम लोगों ने ओपन करा, ये अभी साइन इन नहीं करा हुआ है यहाँ पर, बाकी इसको साइन इन करके आप ओपन करके सिस्टम में और ऐप्स 16 GB की जो इनबिल्ट मेमोरी है उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल जो हमारा मोबाइल फ़ोन या टैबलेट होता है उस तर्ज पर जो सिस्टम है यहाँ पर वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए सिस्टम के वापस से होम स्क्रीन के ऊपर। वापस चलते हैं सिस्टम के एप्लीकेशंस में, देखते हैं और क्या क्या हम लोग को सिस्टम के अंदर यहाँ पर ऑफर में मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, सिस्टम जो है यहाँ पर नेविगेशन को सपोर्ट करता है। गूगल क्रोम में हम लोग आ गए, ब्राउज़र में हम यहाँ पर हमने वाईफाई से हमारे हॉटस्पॉट से सिस्टम को कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पर हम क्रोम के अंदर ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। हम लोग आपको कोई साइट ओपन करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ गूगल पर सर्च करा, मैं यहाँ पर Hyundai सर्च कर लेता हूँ गूगल के ऊपर। जैसे ही मैंने सर्च करा, जैसा कि हम लोग फ़ोन में सर्च करते हैं, बिल्कुल सेम हमको यहाँ पर सर्च करने की ज़रूरत है। गूगल ओपन हो गया और Hyundai के सर्च रिजल्ट्स हम लोग को सिस्टम के अंदर यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, Hyundai के यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स हम लोग को मिल गए। सिस्टम का टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। कैपेसिटिव स्क्रीन के साथ में आता है। कैपेसिटिव स्क्रीन यानी कि सेम स्क्रीन जो हम लोग को आजकल के हमारे स्मार्टफोन्स में मिल रही है, सेम स्क्रीन का टच क्वालिटी हम लोग को यहाँ पर मिलती है। करते हैं YouTube को ओपन और यहाँ पर वीडियो को हम लोग आपको प्ले करके दिखाते हैं YouTube से डायरेक्ट सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया YouTube को सिस्टम के अंदर यहाँ पर ओपन। हम लोगों ने अभी जो सिस्टम है इसको मैं वापस बताऊँगा, फ़ोन के हॉटस्पॉट से यहाँ पर कनेक्ट करके रखा है। तो सिस्टम को हमने यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर करा एक वीडियो को ओपन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो गया है। वीडियो को हम लोग फुल स्क्रीन पर यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ से मैंने वीडियो को कर दिया फुल स्क्रीन। ये जो बड़ा वाला यहाँ पर बॉक्स आ रहा है, ये वीडियो फुल स्क्रीन पर यहाँ पर चालू हो गया। तो आप लोग देखिए वीडियो का रेजोल्यूशन और साथ में देखिए सिस्टम के साउंड की क्वालिटी।
आप वीडियो के रेजोल्यूशन पे ध्यान दीजिए। ये जो वीडियो है अभी यहाँ पर ये 480 पिक्सल्स पे प्ले हो रहा है क्योंकि ये ऑटो मोड पे है, इसको हम 720 पिक्सल्स पे भी प्ले यहाँ पर कर सकते हैं। 1080 पर शायद नहीं होगा क्योंकि जो सिस्टम है ये फुल HD नहीं है, ये HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, यानी कि ये 720 पिक्सल्स का डिस्प्ले हम लोग को यहाँ पर सिस्टम के अंदर मिल जाता है। इतने छोटी साइज के लिए 720 पिक्सल्स में समझता हूँ बहुत अच्छा रेजोल्यूशन यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग बैक आ गए। YouTube सेम जैसा हम लोग फोन में यूज करते हैं वैसा यहाँ पर चल रहा है। आप चाहे तो प्ले स्टोर से YouTube का ऐप भी सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम वीडियो को ओपन करने के लिए YouTube ऐप का भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर बैक, हम लोग आ गए बैक, बैक कर वापस से होम स्क्रीन पर आ गए। मैंने होम की प्रेस कर दी नीचे जो सॉफ्ट की दी है, तो हम लोग डायरेक्ट होम स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाते हैं। आप लोग को नेविगेशन सिस्टम के अंदर हम चला के दिखाते हैं गूगल मैप से। तो मैंने यहाँ पर गूगल मैप्स को ओपन कर लिया, ओपन हो रहा है ये, यहाँ पर ओपन हो गया। अब ऊपर जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है उसमें हम लोग कोई लोकेशन डाल देते हैं और वहाँ का रास्ता नेविगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी, मैं मुंबई डाल देता हूँ लोकेशन। मैंने यहाँ पर मुंबई टाइप कर दिया, सिस्टम के कीपैड पर से मुंबई आ गया। यहाँ पर मैंने मुंबई सिलेक्ट करा, सिस्टम जो है रास्ता लोड कर रहा है अभी। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दे रहा है क्योंकि पहली बार नेविगेशन सिस्टम के अंदर यहाँ पर यूज़ हो रहा है, हमने नया इंस्टॉल करा है इसको। यहाँ पर इसने सारी मोड्स हमको बता दी ट्रेन के लिए, यहाँ पर कैसे कैसे हमको जाना है। हम लोग ऊपर यहाँ पर ड्राइविंग मोड सिलेक्ट कर लेते हैं 11 आवर्स का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ पर ड्राइविंग मोड सिलेक्ट करी, रास्ता भी लोड कर रहा है। यहाँ पर डाटा की कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो है यहाँ पर, इसने रास्ता दिखाया। मैंने जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करा, ये बता रहा है वेलकम टू गूगल मैप्स क्योंकि पहली बार यूज़ हो रहा है जैसा मैंने बताया, और यहाँ पर नेविगेशन हमारा स्टार्ट हो गया। तो अब हमको लेन बाय लेन या टर्न बाय टर्न गाड़ी जो है वॉइस असिस्ट के साथ यहाँ पर नेविगेशन में गाइड करेगी, बिल्कुल सेम उस तरीके से जैसा कि हमारे फ़ोन में गूगल मैप्स वर्क करता है, वैसे सिस्टम में डायरेक्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसने बता दिया 582 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है और 10 आवर 45 मिनट में हम लोग यहाँ पर उसको कवर कर सकते हैं। हम लोग आ जाते हैं वापस से बैक, वापस हम लोग आ गए सिस्टम की होम स्क्रीन पर ऊपर। वापस चलते हैं एप्लीकेशंस के अंदर। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ये प्री लोडेड ऐप्स कुछ हम लोग को यहाँ पर मिल रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा ऐप्स हम यहाँ पर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेयरिंग कंट्रोल जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं। वॉइस कमांड को भी सिस्टम यहाँ पर सपोर्ट करता है। सिस्टम को ऑर्डर करने के लिए आप लोग को वीडियो में यहाँ पर नंबर्स दिख रहे होंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स दिए गए हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी के साथ सिस्टम आप लोग को यहाँ पर मिलेगा।